दोस्तों, मैं रुपम और टेक्नोलॉजी के एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में ब्लू व्हेल गेम का जख्म भरते न भरते एक और नया सुसाइड गेम हाजिर हो गया है, जो कि है मोमो। और दोस्तों, ये गेम भी ब्लू व्हेल गेम की तरह इस सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं इस वीडियो में मोमो गेम के बारे में कुछ और डिटेल में आपको बताऊंगा और कैसे आप इस गेम से बच सकते हैं अगर इसने आपको कॉल या मैसेज किया है, तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। और दोस्तों, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं इस गेम के नेम और पिक्चर के बारे में, जो आपको इसके प्रोफाइल में देखने को मिलता है। तो जो नेम है मोमो, वो एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग है इडियट, रस्किल और एटसेट्रा। तो जो पिक्चर आपको देखने को मिलता है, उस पिक्चर को ड्रॉ किया था जापानीज आर्टिस्ट मिडोरी हायासी ने, और इस पिक्चर का नेम है मदर बर्ड बाय लिंक फैक्ट्री। मगर दोस्तों, इस पिक्चर और नेम के साथ इस गेम का कोई भी संबंध नहीं है। तो बेसिकली मोमो उन लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जो अपने लाइफ को लेके बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है और वो और जीना नहीं चाहते। तो मोमो उन लोगों के सोशल मीडिया के स्टेटस को फॉलो करते हैं और फिर उन्हें कांटेक्ट करते हैं। और दोस्तों, मोमो पहले फेसबुक पे आया था और फिर व्हाट्सएप पे जाने के बाद ये और भी ज़्यादा फैल गया। तो मुझे जितना दूर पता चला, मोमो पहले आपको मैसेज करता है हाय आई एम मोमो, और फिर दोबारा वो मैसेज करता है आर यू इंटरेस्टेड इन मोमो गेम, और फिर दूसरा आदमी अगर उसे येस बता देता है तो मोमो उसे एक लिंक और एक कोड भेजता है। और अगर वो आदमी उस लिंक से ऐप को डाउनलोड करके उस कोड को एंटर करता है तो मोमो गेम स्टार्ट हो जाता है। और अगर कोई आदमी गेम को स्टार्ट करने के बाद खेलने से इनकार करता है तो मोमो उसे ब्लैकमेल करके उसके ऊपर मेंटली प्रेशर क्रिएट करके इस गेम को खेलने में उसे मजबूर करता है। और दोस्तों, ब्लू व्हेल की तरह ही इस गेम का भी आखिरी स्टेप है सुसाइड करना। तो इस वीडियो के अंत में आप बात कर लेते कि अगर मोमो आपको कांटेक्ट करता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो अगर मोमो आपको व्हाट्सएप से कांटेक्ट करता है तो आप मोमो के उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप के सेटिंग्स में जाके टू स्टेप वेरिफिकेशन को एक्टिवेट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि कोई आपके व्हाट्सएप अकाउंट को हैक नहीं कर पाएगा। और अगर मोमो आपको किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर से कांटेक्ट करता है तो आप उसके उस अकाउंट को ब्लॉक कर दीजिए और अपने अकाउंट का पासवर्ड को रीसेट कर लीजिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हो सके तो आप अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड को भी चेंज कर लीजिए। और जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि आप अपने भाई बहन या अगर आप किसी के पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चे के सोशल मीडिया के अकाउंट्स को फॉलो कीजिएगा। और अगर कोई अपने लाइफ को लेकर डिप्रेशन में है तो उसे थोड़ा समझ के आप उसे खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपने शेयर कर दिया होगा। एंड गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। सो टिल देन हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।